तौर पे जो स्लम के लोग हैं उनके लिए एक नई योजना हम लोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं, उनके स्थायी पक्का मकान उन लोगों को दिया जाए एक जगह, और उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करने का लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ व्यवस्था होगी। तो उन गरीबों की और सर्वे भी कराया गया है, लगभग पटना में 48,000 ऐसे जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में, टेंट में, पूल के नीचे। लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन जो है लगभग 48,000 लोग जो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। तो उन गरीबों की और सर्वे भी कराया गया है, लगभग पटना में 48,000 ऐसे जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में, टेंट में, पूल के नीचे। आप चले जाइएगा उधर महोदय, जो अभी जो पथ बना है वो दीघा जब जाते हैं तो नहर के किनारे आप देखिए इतना स्लम एरिया है। तो खास तौर पे जो स्लम के लोग हैं उनके लिए एक नई योजना हम लोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं, उनके स्थायी पक्का मकान उन लोगों को दिया जाए एक जगह, और उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करने का लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन जो है लगभग 48,000 लोग जो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। तो इनको हमको जगह देना है, इसके लिए हमारा विभाग जो है बड़ी तेजी से नियम भी ला रहा है और योजना भी ला रहा है। उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो सुधार की जरूरत थी वो हम लोगों ने किया है, और जल्दी हमको लगेगा कि अगर आप सब लोगों का साथ और विश्वास रहेगा मिलेगा तो इस चीज को भी हम जल्दी ला करके आपके सदन में करवाने का काम करेंगे। अभी तो ये अतिक्रमण हटाने में बहुत थोड़ा दुविधा होता, अब तो इसमें कम से कम जो स्थाई है, जो थोड़ा पक्का उक्का बना लिया पार्क वार्क के किनारे या रोड पर, तो कम से कम इनको 15 दिन का तो नोटिस दिया जाएगा, ही नहीं कि तुरंत जाके डंडा मारेगा। कम से कम 15 दिन का नोटिस मिलेगा, उसमें जवाब देगा, अगर असंतोष पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसमें ये सारा प्रावधान है। तो हमको लगता है कि अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा और जो बेघर है उनको बसाने के लिए सरकार गंभीर है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग इस काम को पूरा करेंगे। तो उन गरीबों की और सर्वे भी कराया गया है, लगभग पटना में 48,000 ऐसे जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में, टेंट में, पूल के नीचे। आप चले जाइएगा उधर महोदय, जो अभी जो पथ बना है वो दीघा जब जाते हैं तो नहर के किनारे आप देखिए इतना स्लम एरिया है। तो खास तौर पे जो स्लम के लोग हैं उनके लिए एक नई योजना हम लोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं, उनके स्थायी पक्का मकान उन लोगों को दिया जाए एक जगह, और उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करने का लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन जो है लगभग 48,000 लोग जो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। तो इनको हमको जगह देना है, इसके लिए हमारा विभाग जो है बड़ी तेजी से नियम भी ला रहा है और योजना भी ला रहा है। उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो सुधार की जरूरत थी वो हम लोगों ने किया है, और जल्दी हमको लगेगा कि अगर आप सब लोगों का साथ और विश्वास रहेगा मिलेगा तो इस चीज को भी हम जल्दी ला करके आपके सदन में करवाने का काम करेंगे। अभी तो यह अतिक्रमण हटाने में बहुत थोड़ा दुविधा होता, अब तो इसमें कम से कम जो स्थाई है, जो थोड़ा पक्का उक्का बना लिया पार्क वार्क के किनारे या रोड पर, तो कम से कम इनको 15 दिन का तो नोटिस दिया जाएगा, ही नहीं कि तुरंत जाके डंडा मारेगा। कम से कम 15 दिन का नोटिस मिलेगा, उसमें जवाब देगा, अगर असंतोष पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसमें ये सारा प्रावधान है। तो हमको लगता है कि अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा और जो बेघर हैं उनको बसाने के लिए सरकार गंभीर है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग इस काम को पूरा करेंगे।